दया याचिका के खिलाफ जो रिट पिटीशन थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। अब हम पवन कुमार गुप्ता की जो मर्सी पिटीशन हमने कल फाइल की थी प्रेसिडेंट हाउस में, सेकंड मर्सी पिटीशन, जैसे आतंकवादी अब्दुल रजाक मामले में पिटीशन सेकंड मर्सी फाइल हुई थी उसको तो काफी दिन बाद किया था, लेकिन जो हमारी मर्सी पिटीशन थी पवन कुमार गुप्ता की, जिसमें आर्टिकल लगाया था जो ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे कार्जू साहब हैं उनका लगा हुआ था आर्टिकल, और उस पर वो पिटीशन देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज डिसमिस कर दी, इन्फॉर्मेशन मिली मीडिया के द्वारा। अब हम उसके अगेंस्ट में उस मर्सी पिटीशन का जो डिसमिसल हुआ है वो इतने कम समय में किया है कि दुनिया के सारे लोग इस बात को सवाल उठा रहे हैं। सवाल कानूनी उठना चाहिए और सवाल कानूनी है, इसलिए हम उसके अगेंस्ट, मर्सी पिटीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिसके आधार पर उसको हम चैलेंज करेंगे और जो फांसी की सजा है उस पर रोक की मांग करेंगे, जिससे कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस रुक सके और रोक लग सके।